नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और खतरनाक खबर निकल के सामने आई है कि भारत ने अपने पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट के ऊपर भारी भरकम टैक्स जड़ दिया है, जिससे परेशान होकर शेख भारत की शरण में आए हैं और भारत से इस टैक्स को हटाने और डिस्काउंट देने की गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन युद्ध चला है, तब से जो तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, उन देशों ने अपने कच्चे तेल के प्राइस कई गुना बढ़ा दिए हैं। और अभी भी ये देश इन बढ़ाए हुए प्राइसों से भी बिल्कुल खुश नहीं है और अपने तेल के प्राइसों को और बढ़ाना चाहते हैं। और इससे सबसे ज्यादा भारत परेशान है, क्योंकि भारत तेल इम्पोर्ट करने की लिस्ट में दुनिया के तीसरे नंबर पे है। और अब तेल के प्राइस बढ़ने से हो ये रहा है कि भारत को तेल खरीदने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, वक्त का पाशा देर से ही सही, लेकिन पलटता जरूर है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने ओपीईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है और शेखों का घमंड चकनाचूर करने के लिए अपने पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर भारी भरकम विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। साथ ही जो इन देशों की कॉमर्शियल फ्लाइट है जिसमें भारतीय फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी टैक्स लगा दिया गया है। और इन सब का कारण भारत ने ये दिया है कि वैसे ही तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों ने अपने तेल के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिससे हमें इंपोर्ट करने के साथ साथ कच्चे तेल को रिफाइन करने, पेट्रोल डीजल बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है। और जब ओपीईसी कंट्रीज अपने तेल के प्राइस कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपना तेल सस्ता क्यों बेचे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जैसे ही अपने पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर भारी भरकम विंडफॉल टैक्स जड़ दिया, तो भारत से तेल खरीदने वाले दुनिया के जितने भी ओपीईसी देश हैं, वो सभी के सभी देश भारत की शरण में आए हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि आपने जो पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है, उसे कम करिए और हमें डिस्काउंट दीजिए। लेकिन भारत ने भी इन देशों के सामने शर्त रखी है कि जब तक तेल की कीमतें $40 प्रति बैरल तक नहीं गिरती, तब तक भारत विंडफॉल टैक्स वापस नहीं लेगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत के इस फैसले के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।